अस्सलाम वालेकुम। टेंथ क्लास में आज हमारे पास टॉपिक है डाइवर्सिटी एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की वैरायटी, डाइवर्सिटी मतलब उसकी इकसाम, और मैग्नीट्यूड मतलब उसकी तादाद। उसकी क्या रीज़न है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतने ज़्यादा पाए जाते हैं। अगर हम देखें पीरियोडिक टेबल में तो हमारे पास टोटल 118 एलिमेंट्स हैं। उसमें से जो कार्बन है वो मोर देन 10 मिलियन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाता है। मतलब अगर हम 118 में से कार्बन को अलहदा कर दें, बाकी कितने एलिमेंट्स बच जाएंगे हमारे पास? 117 एलिमेंट्स। जो टोटल 117 एलिमेंट्स मिलके कंपाउंड्स बनाते हैं, कार्बन अकेला उनसे ज़्यादा बना लेता है। कार्बन अकेला जो है वो इतने कंपाउंड्स बनाता है कि पीरियोडिक टेबल के बाकी 117 एलिमेंट्स भी उतने नहीं बनाते। तो हमारी बुक में एक MCQs है कि 10 मिलियन से ज़्यादा ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बन चुके हैं और हर साल इनमें इजाफा होता जा रहा है। अब उसकी क्या रीज़न है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड इतनी डाइवर्सिटी, वैरायटी और मैग्नीट्यूड के ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाता है? उसके हमारे सिलेबस में चार रीज़न दी हुई हैं। पहली क्या है? कैटिनेशन। दूसरी है हमारे पास आइसोमरिज्म। तीसरी है स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड्स ऑफ कार्बन। और चौथी है मल्टीपल बॉन्डिंग। कैटिनेशन, आइसोमरिज्म, स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड और चौथी कौन सी है हमारे पास? मल्टीपल बॉन्डिंग। सबसे पहले हम बात करते हैं कैटिनेशन की। कैटिनेशन को उर्दू में कहते हैं जंजीर साजी। इसमें क्या होता है कि कार्बन एटम अपने जैसे एटम्स के साथ मिलके लंबी चेन बना सकता है, कोई रिंग बना सकता है, तो इसे हम क्या कहेंगे? कैटिनेशन। द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू लिंक विद अदर कार्बन एटम टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स इज कॉल्ड कैटिनेशन। ठीक है, अब ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन अक्सर पेपर में देखेंगे तो आया होगा कि कैटिनेशन क्या है, डिफाइन लिखें, तो आप एग्जांपल भी लिखेंगे। लॉन्ग चेन के लिए आप क्या करेंगे? कार्बन कार्बन स्ट्रेट चेन में 5-6 कार्बन जोड़ देंगे और उनके साथ जिसके साथ जितने हाइड्रोजन आते हैं वो आप हाइड्रोजन लगा देंगे। ये आपके पास क्या आ जाएगा? स्ट्रेट चेन की एग्जाम्पल आ जाएगी। ठीक है, ये पिछले टॉपिक में भी आपने पढ़ा हुआ है। उसके बाद ब्रांच चेन भी बना सकता है। फिर क्या बना सकता है? रिंग। रिंग के लिए आप एग्जाम्पल बना देंगे, बेंजीन रिंग ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास कैटिनेशन की डिफाइन और उसकी एग्जांपल आ जाएंगी। दोबारा देखें, कैटिनेशन क्या होता है? द एबिलिटी ऑफ कार्बन एटम्स टू लिंक विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स एंड रिंग्स। कार्बन एटम की वो काबिलियत, वो एबिलिटी जिसमें वो अपने जैसे दूसरे कार्बन एटम के साथ मिलकर लंबी चेन्स बनाता है। वो स्ट्रेट भी हो सकती हैं, वो ब्रांच भी हो सकती हैं और वो रिंग भी बना सकता है, लार्ज रिंग भी बना सकता है। तो इस एबिलिटी को, इस काबिलियत को हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन कहते हैं। द मेन रीज़न फॉर लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये एक मेन रीज़न है कैटिनेशन जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड होने की, इतनी तादाद होने की एक मेन रीज़न ये भी है। अब आ जाएं कंडीशंस। हम कहते हैं कि अगर कार्बन या उसके अलावा कोई और एलिमेंट भी कैटिनेशन करता है तो उसकी क्या रीज़न है, कंडीशंस क्या हैं। कंडीशंस में अगर हम देखें तो हमारे पास पहली कंडीशन क्या है? एलिमेंट शुड हैव वैलेंसी 2 or greater than 2। वो एलिमेंट जो चाहता है कि वो कैटिनेशन करे तो कम अज़ कम एटलीस्ट उसकी वैलेंसी 2 या फिर 2 से ज़्यादा होनी चाहिए। एटलीस्ट तो 2 हो, उससे ज़्यादा हो जाए तो वो बेहतर है। ठीक है, कम अज़ कम क्या वैलेंसी होनी चाहिए? 2। तो पहली कंडीशन क्या है कैटिनेशन के लिए? कम अज़ कम वैलेंसी 2 होनी चाहिए, एटलीस्ट 2 होनी चाहिए या मोर देन 2 होनी चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है? द बॉन्ड मेड बाय एन एलिमेंट विद इट्स ओन एलिमेंट, विद इट्स ओन एटम्स आएगा यहाँ पे, विद इट्स ओन एटम्स शुड बी स्ट्रॉन्गर देन द बॉन्ड्स मेड बाय द अदर एलिमेंट विद अदर एटम्स, स्पेशली ऑक्सीजन। क्या मतलब है इस बात का? कि वो एलिमेंट जो चाहता है कि वो कैटिनेशन करे तो उसको अपने जैसे एटम के साथ बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए और दूसरे एटम्स के साथ बॉन्ड जो है वो थोड़ा वीक होना चाहिए, स्पेशली किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, मतलब कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड है ना ये स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बजाय किसके? कार्बन ऑक्सीजन वाले बॉन्ड के। तो सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या है कि वो बॉन्ड जो एलिमेंट अपने जैसे एटम के साथ बॉन्ड बनाता है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। लाइक कार्बन है तो कार्बन कार्बन का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और दूसरे एटम के साथ जो बॉन्ड बनाता है तो वो वीक होना चाहिए। और दूसरा एटम कौन सा है यहाँ पे हमारे पास है? स्पेशली ऑक्सीजन। अच्छा, शॉर्ट क्वेश्चन ना डिफरेंट तरह से आता है, आप पेपर में जब भी देखेंगे कैटिनेशन की डिफाइन पूछते हैं या फिर कैटिनेशन की कंडीशन अलग से शॉर्ट पूछते हैं, फिर कैटिनेशन की डिफाइन और कंडीशन
इकट्ठा, ये भी शॉर्ट पूछते हैं। ओके, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, हमारी बुक में दिया हुआ है, क्या है कि सिलिकॉन एंड कार्बन बोथ हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। अच्छा, सिलिकॉन और कार्बन, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन एक है, कैसे? कार्बन के वैलेंस में भी चार इलेक्ट्रॉन है, सिलिकॉन के वैलेंस में भी, क्यों? क्योंकि ये सेम फैमिली मेंबर हैं, मतलब कार्बन फैमिली है तो ये सेम फैमिली है, दोनों के वैलेंस में चार इलेक्ट्रॉन है, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, लेकिन कार्बन जो है वो कैटेनेशन शो करता है जबकि सिलिकॉन नहीं करता, इसकी वजह क्या है? पहली रीजन तो हमारे पास सेम है, मतलब पहली कंडीशन तो गिवन है, क्या कि दोनों के पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम है, मतलब दोनों के बांड चार बनते हैं, तो पहली कंडीशन सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि मसला कहाँ पे आ रहा होगा, सेकंड कंडीशन में। सेकंड कंडीशन में क्या है कि कार्बन कार्बन जो बांड है इज स्ट्रोंगर, कितना स्ट्रोंग है कि उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 355 किलो जाउल पर मोल, जबकि सिलिकॉन सिलिकॉन को तोड़ने के लिए, जो उसका बांड है उसको तोड़ने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, 200 किलो जाउल पर मोल। कार्बन कार्बन का जो बांड है वो स्ट्रोंगर है, उसके लिए एनर्जी कितनी चाहिए, 355 किलो जाउल पर मोल, उसको ब्रेक करने के लिए 355 किलो जाउल पर मोल एनर्जी चाहिए, जबकि जो सिलिकॉन सिलिकॉन बांड है उसके लिए कितनी चाहिए, 200 किलो जाउल पर मोल। तो इसका मतलब पहली बात कि कार्बन कार्बन का बांड स्ट्रोंगर है और सिलिकॉन सिलिकॉन का बांड वीकर है। अगली बात, फिर कार्बन ऑक्सीजन के साथ जब बांड बनाता है तो वो वीकर होता है, वो 351 किलो जाउल पर मोल एनर्जी चाहिए, लेकिन सिलिकॉन जब ऑक्सीजन से बांड बनाता है तो वो बहुत स्ट्रॉन्गर होता है, उसके डबल से भी ज़्यादा एनर्जी हो जाती है, वो कितना है जी, 352 किलो जाउल पर मोल। इसका मतलब ये हुआ कि जो सेकंड कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हो रही, यहाँ पे सिलिकॉन उस कंडीशन को पूरा नहीं कर रहा, सिलिकॉन सिलिकॉन का बांड स्ट्रॉन्गर होना चाहिए था और सिलिकॉन ऑक्सीजन का बांड वीकर होना चाहिए, जबकि यहाँ पे ये क्या हो गया है, ऑपोजिट हो गया, जबकि कार्बन जो है वो सेकंड कंडीशन को भी सेटिस्फाई कर रहा है कि कार्बन कार्बन का बांड वो स्ट्रॉन्गर है, कार्बन ऑक्सीजन का बांड वो क्या है, कंपैरेटिवली वीकर है, इस वजह से जो सिलिकॉन है वो सिलिका और सिलिकेट्स की फॉर्म में अवेलेबल होता है। तो ये आपने आंसर लिखना है, ये क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है हमारे पास आइसोमरिज्म। आइसोमरिज्म क्या होता है, हम कहते हैं द कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, ऐसे कंपाउंड जिनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला, उनके स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो, आर सेट टू आइसोमर्स ऑफ ईच अदर एंड द फिनोमिनन इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। इस फिनोमिनन को हम क्या कहते हैं, आइसोमरिज्म। फिनोमिनन क्या होता है, ऐसा कोई प्रोसेस जो कुदरती तौर पे हो रहा हो, ऐसा मजहर, इसे कुदरती मजहर कहा जाता है, मतलब जिसमें इंसान की मुदाखलत ना हो, वो कुदरती तौर पे हो रहा हो, उसे हम फिनोमिनन कहते हैं। अब इसकी एग्जांपल की अगर हम बात करें तो हमारे पास है C5H12, इसका नाम है पेंटेन। पेंटेन जो हमारे पास है इसके तीन आइसोमर्स हैं। नंबर वन क्या करें, पांचों कार्बन को स्ट्रेट चेन में जोड़ दें और बाकी उसके साथ हाइड्रोजन पूरे कर दें, यहाँ पे दो आ जाएंगे। कार्बन टेट्रावेलेंट है तो दो दो बांड उसके पहले बने हुए हैं और बाकी हाइड्रोजन लगा दें, तो ये हमारे पास आ गया पेंटेन। अब चूंकि सारे स्ट्रेट चेन में, इस वजह से नाम के साथ क्या आ जाएगा, एन पेंटेन। इसमें आ जाएं, सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि हम चार कार्बन जो हैं वो स्ट्रेट चेन में जोड़ दें और एक कार्बन जो है वो नीचे लगा दें, ठीक हो गया, इस कार्बन पे या इस कार्बन पे नीचे या ऊपर लगा दें, तो यहाँ पे ब्रांच बन गई, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे आइसो पेंटेन। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि तीन कार्बन ऐसे स्ट्रेट चेन में जोड़ दिए और एक कार्बन ये दरमियान वाले कार्बन के ऊपर भी और नीचे भी लगा दिया, तो ये ज़रा देखें तो ये प्लस का जैसे साइन होता है वैसे बन गया, इसका नाम है नियोपेंटेन। अब पेंटेन के कितने आइसोमर हैं, अगर इन तीनों को हम देखें तो तीनों का मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चरल फार्मूला तीनों का क्या है, डिफरेंट है, तो हम क्या कहेंगे, एन पेंटेन आइसो और नियो क्या हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत अहम है और पेंटेन के तीन आइसोमर्स होते हैं, ये MCQs आता होता है पेपर में, और न्यू पेंटेन का फार्मूला लिखें, ये भी अक्सर शॉर्ट क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, अच्छा जैसे जैसे कार्बन की तादाद बढ़ती जाएगी ना, वैसे वैसे आइसोमर्स की तादाद भी बढ़ती जाएगी, ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास स्ट्रेंथ ऑफ कोवलेंट बॉन्ड। कार्बन एटम जो है वो नॉन मेटल है और इसका साइज भी छोटा है, कार्बन एटम इज स्मॉल इन साइज, हेंस इट फॉर्म्स स्ट्रॉन्गर
कोवलेंट बॉन्ड विद अदर कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन एंड एक्स लिखा है यहाँ पे। एक्स का मतलब हैलोजन है, मतलब क्लोरीन ब्रोमीन वगैरह फ्लोरीन आयोडीन वगैरह एटम्स जो हैं उनके साथ जो कार्बन का बॉन्ड होगा वो स्ट्रॉन्गर होगा। याद रखें एटम जितना छोटे साइज का होता है उसका बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्गर होता है। दिस इज आल्सो रीजन फॉर लार्ज नंबर ऑफ ओसी, ओसी का मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लास्ट हमारे पास है मल्टीपल बॉन्डिंग। मल्टीपल बॉन्डिंग क्या होती है, इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई द टेट्रावेलेंसी ऑफ कार्बन। कार्बन हमें पता है चार वैलेंसी शो करता है, तो ये पहली पॉसिबिलिटी क्या करता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाए, फिर ये कार्बन डबल बॉन्ड भी बना सकता है अपने जैसे कार्बन एटम के साथ, फिर ये कार्बन एटम अपने जैसे कार्बन एटम के साथ ट्रिपल बॉन्ड भी बना सकता है। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को हम कहते हैं मल्टीपल बॉन्डिंग। ठीक हो गया, तो सिंगल तो बनाएगा वो तो सिंपल सी बात है, डबल और ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है ताकि वो अपनी वैलेंसी को सेटिस्फाई करे। अच्छा एक एग्जांपल अभी हम देखते हैं, लाइक हम कहते हैं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ अगर जुड़ा हो दो कार्बन और इसके साथ तीन हाइड्रोजन तो इसको हम कहते हैं ईथेन। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है, कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड के साथ जुड़ा हो तो दो हाइड्रोजन लग जाएंगे, इसको हम कहते हैं ईथीन, ईथीन या इसका एक और नाम भी है इथाइलीन। तीसरा क्या है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हो एक हाइड्रोजन तो इसका नाम है इथाइन, और इसी को हम क्या कहते हैं एसिटाइलीन भी इसी को हम कहते हैं। ठीक हो गया, अब ये अगर हम देखें तो यहाँ पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल है और यहाँ पे ट्रिपल है, तो ये किस वजह से हुआ, कार्बन की मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से। अगर ये दोनों में कार्बन एटम्स की तादाद सेम है एक जैसी है, लेकिन ये क्लास ऑफ कंपाउंड और है, ये और है, ये और है। ठीक हो गया, तो ये किसकी वजह से हुआ, कार्बन के मल्टीपल बॉन्डिंग की वजह से। स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का टॉपिक, नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।